नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप में कम करने के लिए कोविड 19 बीमारी के इलाज में लगे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स स्टाफ, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों, एम्बुलेंस के स्टाफ और लैब टेस्टिंग स्टाफ के साथ साथ देखभाल में लगे स्टाफ के कर्मियों को कोरोना पीरियड के दौरान 2 गुना वेतन देने की घोषणा की है। वहीं इसी दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नवीनतम हिदायतों के तहत PCR टेस्टिंग को अगले 4-5 दिनों में बढ़ाया जाएगा और हिदायतों के अनुसार अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गैर प्रभावित जिलों में भी 125 टेस्ट प्रति जिला और प्रभावित जिलों में जैसे कि गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और नूह में 450 टेस्ट प्रति जिला किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 4-5 दिनों में सैंपलिंग की मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अब तक पूरे देश में 1 लाख सैंपल लिए हैं और आगामी 14 अप्रैल तक 2.5 लाख सैंपल भी लिए जाएंगे। वहीं इसी अनुरूप में हरियाणा में भी परसों तक 2500 सैंपल लिए जाएंगे। आगामी 14 अप्रैल तक 6500 सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी आने वाली है और इस किट का इस्तेमाल हॉटस्पॉट में किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इसे एक महामारी के साथ साथ विश्व वॉर कहते हुए कहा कि हमें इन सब से एक साथ मिलकर के लड़ना होगा। इस कठिनाई के समय में, संकट के समय में हम सबको उत्साह और जोश के साथ ये लड़ाई जीतनी है। अब देख रहे हैं पल पल की यह विशेष रिपोर्ट। दिस इज वॉर टाइम और योद्धा की पर्सनैलिटी का निखार हमेशा युद्ध काल में ही आता है और जिस प्रकार से जिस दिन से इस दुश्मन ने, सूक्ष्म दुश्मन ने सारे विश्व में या सारे देश में या हमारे प्रदेश में प्रहार किया है, हमारे जो योद्धा हैं, जो वार हीरोज हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसमें सभी जो मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और जो बैक डोर पर प्लानिंग ग्रुप है वो भी रात को आराम से सो नहीं रहा है। उनको भी 24 घंटे चिंता रहती है कि हमारी प्लानिंग्स जो हैं वो एग्जीक्यूट्स हों, हमारे योद्धाओं को जो जो सामान चाहिए वो मुहैया हो और हम इस लड़ाई को जीते। शुरू में कुछ मुश्किलें आई थी जो प्रोटेक्टिव सामान है उसको मुहैया कराने में, लेकिन दिन रात मेहनत करके आज हम उस स्थिति पर हैं कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस जिस इक्विपमेंट की जरूरत होती है, चाहे वो पीपी किट हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे ट्रिपल लेयर मास्क हो, चाहे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, वेंटिलेटर्स हों, टेस्टिंग लैब्स हों, आज हमने सबकी व्यवस्था की है और हम आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इसमें सफल होंगे। हमारी स्ट्रिक्ट विजिल और मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि अगर तबलीगियों की संख्या ना आती
तो हमने बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण किया था। हमने जो विदेशों से आए थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो 15,000 के करीब क्वारंटाइन किए गए थे, उनको हमने अच्छी तरह से क्वारंटाइन किया और इस बीमारी को फैलने नहीं दिया। आज हमारे हरियाणा में 134 एक्टिव कोरोना पेशेंट हैं और इसमें से 106 तबलीगी जमात के हैं। और अगर हम 106 तबलीगी जमात के 134 में से कम करें तो 28 मरीज हरियाणा के बनते हैं। हमने एक और फैसला किया है कि जितने भी कोविड के पेशेंट होंगे, हमने 14 कोविड हॉस्पिटल प्रदेश में सेटअप किए हैं, जहां व्यवस्था की है कि एक भी जो कोविड का मरीज है वो आम मरीजों के साथ हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जो कोरोना प्लस का मरीज है उसको कोविड हॉस्पिटल में ही उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। कोविड हॉस्पिटल का कंसेप्ट यह है कि उसमें कोई भी दूसरा मरीज नहीं जाएगा ताकि बीमारी स्प्रेड ना हो। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस बारे में चिंता कर रहे हैं और रोजाना कोई एक भी दिन नहीं होता जिस दिन किसी ना किसी विभाग की या अधिकारियों की या डॉक्टर्स के साथ वीसी नहीं होती है, मीटिंगें नहीं होती हैं। और अगर हम डॉक्टर्स की भी कहें तो मैं समझता हूँ आज ये दूसरी वीसी है, एक वीसी हम पहले कर चुके हैं। और रोजाना हमारे अधिकारी भी हमारे सब डॉक्टर्स के साथ रोजाना अपना रेगुलर तालमेल बनाए हुए हैं और जिस यूनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, हम दावे के साथ इस लड़ाई को जीतेंगे। आगे और भी, अभी अरोड़ा जी ने आपको बताया कि हमने कुछ रैंडम सैंपलिंग करनी है, हम वो रैंडम सैंपलिंग करेंगे, हर जिले में करेंगे ताकि हमारे पास सही सही रिपोर्ट आ सके और आगे के जो फैसले लिए जाने हैं हम उनको ले सकें। धन्यवाद।